शिमला प्रदेश की जेलों में एक बंद कई कैदी जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम के चलते जेल में ही काम कर रहे हैं और उससे होने वाली कमाई से अपने घर का खर्च चला रहे हैं। ऐसा ही कैदियों में से एक राज कपूर यादव है। राज कपूर यादव की कमाई इतनी है कि जेल में रहकर भी घर का सारा खर्च उठाते हैं और परिवार का और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यह फर्नीचर बनाने का काम करते हैं और जेल से ही काम करते हैं और हर महीने हजारों रुपए कमाते हैं। एक किलो चरस के साथ पकड़े गए थे राज कपूर को 20 साल की सजा मिली है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले राज कपूर यादव से 1 किलो से ज्यादा चरस पकड़ी गई थी और NDPS एक्ट के तहत वह दोषी पाया गया था। इसे अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है और 2016 से जेल में बंद है और अभी भी 14 साल की सजा बाकी है। राज कपूर यादव ने 2017 से शिमला की कंडा जेल से काम शुरू किया था। वे इसे आगे बढ़ाते गए और अब तक यह 4.5 लाख रुपए अपने घर भेज चुके हैं। यह कुर्सी मेज और बेड से लेकर मॉड्यूलर किचन तक सारा फर्नीचर बनाते हैं। हिमाचल जेल विभाग की तरफ से कैदियों के उत्पादकों की एक प्रदर्शनी राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जेल विभाग की ADG सतवंत अडवाल ने किया है। इसमें न केवल कैदियों के बनाए उत्पादकों का प्रदर्शन किया जा रहा है बल्कि उन्हें बेचा भी जा रहा है। कैदियों ने बेहतरीन उत्पादन तैयार किए हैं। इसे प्रदर्शनी में 33 वर्षीय राज कपूर यादव के उत्पादकों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। राज कपूर यादव, मैं UP से हूँ, 2016 से हूँ। तो अच्छे फर्नीचर यानी कि डाइनिंग टेबल, बेड, चेयर, किचन, मॉड्यूलर किचन, अलमीरा, हर एक चीज बेड बनाते हैं। कब प्रोवाइड किया जाता है? प्रोवाइड कर दिया जाता है सर। जैसे कि सीजन में अगर हो, गर्मियों का दिन होता है, इस टाइम बरसात का समय है। अभी 2-3 साल तो कोरोना ने ही हमारे को बैठा दिया। अभी गर्मियों का टाइम होता है तो उसमें 30 से 35 हज़ार रुपये महीने का आ जाता है और बरसात के टाइम है तो 15 से 20 हज़ार रुपये। जो मैंने काम किया 4.5 लाख रुपये मैंने कमा कर घर दे दिए। तो इसके अलावा पहले नंबर तो ये हमने किया नहीं, लेकिन दूसरा नंबर अगर गलती जाने अनजाने में हो भी गई या केस FIR दर्ज हो गया या हमें सजा भी हो गई तो आगे के रास्ता ये है कि हम गलत राह पे ना चलें, यानी कि वो सत्य के राह पे चलें, बुरे लोगों के साथ ना दें, बुरे लोगों के साथ ना रहें और अच्छी राह पे चलें, अच्छा काम करें, थोड़ा कम कमाएं, खुशी दें। 2016 में जब ये काम नहीं था तो उस टाइम घर का टेंशन होता था जी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम कोर्ट फीस कैसे भरेंगे, यानी कि हम कोई लॉयर करके अपना केस को कैसे आगे अपील करेंगे। पर 2017 में शुरू 2017 में ये काम चालू कर दिया गया और इससे लगा जे थोड़ा थोड़ा जब से पैसा आने लग गया तो इससे लगा जे हाँ हमारा घर का भी खर्चा अब उससे चलता है और हम आज के डेट में कोर्ट फीस भी देते हैं। सर परिवार में मेरी माँ है, सिस्टर है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और एक मेरा ब्रदर है जो दोनों है, हैंडीकैप है दोनों बाजुओं से और आज की डेट में जो पैसा चलता है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।